बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। पटना के कई होटलों में आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसका जायजा लिया नेशन न्यूज संवाददाता राजीव कमल ने। अशोक, आपको हम अभी खड़े हैं वहाँ जहाँ आइसोलेशन सेंटर यहाँ आपको एक तरीके बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन सेंटर की यहाँ से तैयारी की गई है। जिला स्वास्थ्य समिति बिहार जिला प्रशासन द्वारा यहाँ लगाया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कोविड संग्रहण केंद्र एक तरीके से जागरूकता की सुरक्षा को आपको लेकर यहाँ आपको पोस्टर लगे हुए हैं। आप पोस्टर में देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है। वहीं आप अंदर देखिए, यहाँ है कि वनली फॉर कोरोना, यहाँ पेशेंट को यहाँ रखा जाएगा। ये आपका आइसोलेशन सेंटर है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोरोना के ही जो पेशेंट आएंगे बाहर से हो, उनको यहाँ रखा जाएगा, आइसोलेशन यहाँ किया जाएगा। डॉक्टरों का इसमें इंतजाम है पूरी एक तरीके से। ये होटल को एक तरीके से हॉस्पिटल में, कोरोना हॉस्पिटल के रूप में बना दिया गया है। आपका क्या नाम है? कल्पना सिन्हा। कल्पना जी, बताइए कितने बेड हैं यहाँ? यहाँ ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में 25 से 25 है हमारे पास इस हॉस्पिटल में बेड। और आइसोलेशन वार्ड के लिए हमारा ऊपर में है, तो ऊपर में हमारा है 92 रूम है जिसमें डबल बेड का, और एक हॉल है उसमें 43, उतना हमारा आइसोलेशन है। जो नॉर्मल पेशेंट है जो ऊपर हम लोग रहते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट है जो हम इसमें, अभी तक कोई पेशेंट अभी जी नहीं, अभी तक तो लास्ट पेशेंट हम लोग दिसंबर में भर्ती किए थे, उसके बाद में 4 जनवरी को हम लोग उनको यहाँ से डिस्चार्ज किए, उसके बाद से कोई पेशेंट अभी। देख सकते हैं कि एक तरीके से सीरियस यहाँ पेशेंट रखे जाएंगे। ऊपर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, सीढ़ियों के द्वारा यहाँ ऊपर जाए जाएंगे, उसमें भी आइसोलेशन 160 से ज़्यादा बेड हैं और वो पेशेंट के लिए पूरी तरीके से एक तरीके से आप सुरक्षित है। और उनको एक तरीके मोटिवेशनल के लिए एक रखा जाएगा, मोटिवेशनल डॉक्टर भी हैं जो एक तरीके से उनको ठीक करके ही भेजा जाएगा। पटना से अमित कुमार के साथ मैं राजीव कमल।